और जमशेदपुर के रहने वाले 17 वर्षीय युवक और ऑटिज्म से पीड़ित आशुतोष पानीग्रही ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम 10 अक्टूबर 2023 को दर्ज कराया। आशुतोष की सफलता का जश्न मनाने के लिए आज अस्पायर संगठन के बच्चों और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सचिव पी बाबू राव ने रेड क्रॉस से साक्ची स्थित उपायुक्त कार्यालय तक एक रैली निकाली। बच्चे, उनके अभिभावक एवं संस्था के कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम से बैंड बाजे के साथ उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे, जहां पूर्वी सिंहभूम की DDC मनीष कुमार ने मोमेंटो प्रदान करके आशुतोष का स्वागत किया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दिया। आज किससे मिलने आए हैं? आज मेरा बेटा DDC सर से मिलने के लिए आया है। उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, पूरे झारखंड का नाम को इंडिया में रोशन किया है। पहला ऑटिस्टिक बच्चा जिसने इंडियन एबाकस में ये रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके ये प्रतिभा को देखकर सर आज उसको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाए थे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर कैलकुलेशन बताया और यहाँ पर एस्पायर ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड के द्वारा आई थिंक इनको सम्मान दिया गया है और ये हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है। हम लोग इस तरह के जितने भी बच्चे हैं जो अब लगन और मेहनत से हम लोग के ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं, मैं उनके गार्जियन को, सभी संस्थाओं को भी अभी 5 मिनट का चलेगा। अपना पहले नाम बताइएगा, पूरा परिचय दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू बताइए। हाँ बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष पानीग्रही है, मैं जमशेदपुर का एक लड़का हूँ। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन एबाकस में 10 मिनट्स में 101 सम एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया, 5 मिनट्स में 107 मल्टीप्लिकेशन सम सॉल्व किया। और बताइए, और क्या मतलब कैसा लग रहा है इस तरह के अवार्ड मिलने के बाद आपको? हमको बहुत खुशी हो रहा है, आगे चल के मैं सुबह बनारस में भी अच्छा से गाना गाना